हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये व्लॉग है मंडे का, मतलब कि आज का ही है। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था करीब करीब 11:30 हो रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या, सारी रात हम लोग सोए नहीं, सारी रात लाइट थी नहीं, तो गर्मी तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो इस चक्कर में मतलब सो नहीं पाए हम लोग। तो हुआ क्या ना, 6 बजे लाइट आई तब सोए हम लोग, और फिर वही हुआ कि मतलब ऐसी आँख लगी कि 7:20 पे आँख खुली। फिर हड़बड़ हड़बड़ वही सारे काम मैंने किए, बच्चों को स्कूल भेजा, और सोचा था कि स्कूल से छोड़ करके आके नाश्ता करके थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद से व्लॉग स्टार्ट करूंगी, काम करूंगी सारे। लेटी थी तो नींद उड़ गई, फिर मैंने सोचा चलो काम ही कर लेते हैं। हालांकि 10-15 मिनट के लिए लेटी थी मैं कि नींद आ जाए, लेकिन नहीं आई थी नींद। तो खैर, इसके बाद से लग गई घर के कामों में। तो भी नाश्ता वगैरह हो चुका है और बस घर को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना ये डस्टिंग वगैरह कुछ हो नहीं पाई थी। सैटरडे को हाफ डे था और उस दिन दक्षिता की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो स्कूल से जल्दी ही लाना भी पड़ा था, तो उस चक्कर में नहीं हुआ। संडे को गेस्ट लोग आ गए थे, तो इसलिए भी मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, काम में ही रह गई। और बस आज अब फिर से पुराने रूटीन में वापस आई हूँ। तो बस देखिए, वो वाला बेडरूम मैंने सही कर लिया है और इस रूम में आ गई हूँ। तो सही तो था ही, बस थोड़ा सा बेडशीट को एक सा करना था, क्योंकि सिकुड़ ही जाता है कुछ भी करो, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे या फिर खेलते हैं तो वो थोड़ा बहुत बिगड़ ही जाता है। तो बस इसको एक बार एक सा कर दो ना, तो ये फिर पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है, पूरे दिन साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगता है घर। तो बस देखिए, यहाँ पे इसको भी मैंने अच्छे से इस रूम को भी सेट कर दिया है, और ये स्टैंड पे सारे कपड़े पड़े हैं। संडे को मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी तो छत पे नहीं डाले थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो छत पे डालने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इतनी अचानक से बारिश आती है ना, और डबल फ्लोर चढ़ के जब तक जाओ तब तक सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने स्टैंड पर ही डाल दिए थे। तो बस अभी देखिए, यहाँ पर दोनों रूम सही करने के बाद अब आई हूँ मैं किचन में, और बस अभी किचन की क्लीनिंग करनी है अच्छे से। रात में लाइट इतनी जल्दी चली गई थी और उस चक्कर में पानी भी ख़त्म हो गया था, तो क्लीनिंग नहीं हो पाई थी किचन की। बस किसी तरह एक बार होता है ना नॉर्मल, मैंने पोंछ दिया था। हालांकि सोचा था कि संडे को अच्छे से क्लीनिंग करूंगी रात में और रात में ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन लाइट ने ऐसा धोखा दिया कि नहीं हो पाया। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से बात भी कर रही थी साथ के साथ ब्लूटूथ लगा के, तो अभी बात हमारी हो गई है ख़त्म, तो मैंने ब्लूटूथ निकाल कर रख दिया है और बस किचन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से सोप से क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना अभी तक मेरे पास वो वाला एक स्प्रे था, मैंने मंगाया था मीशो से, तो उससे मैं क्लीनिंग करती थी, बहुत ही हैंडी था, बस स्प्रे कर दो 5 मिनट बाद बस कपड़े से पोंछ दो। और ये साबुन वाला जो है, मतलब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अगर पूरा अगर काउंटर टॉप खाली कर दूंगी तो सारा सामान रखूंगी कहाँ, इसीलिए थोड़े थोड़े जगह पे विम बार मैंने लगा करके फिर कपड़ा भिगो भिगो करके 2 से 3 बार अच्छे से सबको पोछा। और उससे क्या होता था, बस एक बार स्प्रे करो और एक बार कपड़े से अच्छे से पोछ दो, पूरी क्लीनिंग हो जाती थी, सारी चिकनाई या फिर ऑयल का जो भी कुछ रहता था स्टेन सब कुछ निकल जाता था। लेकिन अभी ये सोप वाले में ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया है, तो खैर कोई ना, देखूंगी अपने हाथ से ही बनाने का ट्राई करूंगी। उसके अंदर बेकिंग सोडा पड़ेगा, सिरका पड़ेगा, और जब भी बनाऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस अभी देखिए, काउंटर टॉप करने के बाद तब मैंने टाइलें साफ़ की थी, क्योंकि ना बस साबुन का पानी लगा करके पोछना था, धो नहीं सकते हैं नहीं तो पूरे किचन में पानी हो जाएगा। और यहाँ पे यही सिस्टम, पहले क्या था ना, हम लोग पूरे किचन को धो ही दिया करते थे, मतलब शादी के पहले की बात आपको बता रही हूँ, अगर किचन गंदा लगता था तो पूरा हम लोग धो देते थे पाइप लगा करके। लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कैबिनेट्स जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, वो फिर लकड़ी पे पानी लगेगा तो वो फिर फूल के ख़राब होने लगेगा, तो बस इसलिए इस तरह से क्लीनिंग करनी पड़ती है। नहीं तो पहले बहुत ये भी बढ़िया था कि डायरेक्ट पाइप लगा के धो देते थे। तो खैर, अभी देखिए थोड़े थोड़े जगह मैं बना करके मैंने पूरी किचन को अच्छे से, पूरे काउंटर टॉप को, टाइल्स को, सब पे मैंने विम बार का, मतलब उसमें पानी मैंने थोड़ा सा भर लिया था और उसको अच्छे से पूरे काउंटर टॉप पे, टाइल पर लगा करके बस फटाफट से कपड़े से पोंछते जा रही थी। हालांकि टाइम तो लग रहा था इस चीज़ में, लेकिन
हफ्ते में एक बार अगर इस तरह से क्लीनिंग कर दो ना तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब साफ एकदम चमकदार हो जाता है किचन। अगर सच बताऊँ तो अगर ऐसी डीप क्लीनिंग करो किचन की और पहले का देखो और बाद का देखो तो लगता है हाँ कितना साफ हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए किचन काउंटर जो है ऑलमोस्ट हो गया है साफ, और बस अब सारे बर्तन जो हैं नाश्ते के और खाने के ये सारे अभी धोने बाकी हैं। यही था, धो करके फिर रख देती तो फिर दिक्कत होती इसलिए पहले, और रात में पानी नहीं था तो इस वजह से हो नहीं पाया था, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले ये सब जो काम है ये सारे काम निपटा लूँ पानी वाले, नहीं तो लाइट का कुछ पता नहीं रह रहा है। पूरे दिन मतलब आ रही है जा रही है लाइट, यही चल रहा है क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है इस वजह से भी। तो बस यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, थोड़े से बर्तन मैंने धो लिए तब याद आया बास्केट धोना था, और इसको मैंने उठा करके नीचे रख दिया था इसलिए याद से उतर गया था। तो खैर जब याद आया तो मैंने पहले इसको धो करके और वॉशिंग मशीन पे ही रख दिया था क्योंकि बाहर धूप नहीं हुई थी तो कहाँ रखती, इसीलिए मैंने ऐसे ही मशीन पर उल्टा करके रख दिया था, फ़ैन चला दिया था, पानी अच्छे से निकल ही गया था जब तक मैंने सारे बर्तन धोए थे। और बस इसके बाद से इसको ला करके मैंने फ़िक्स किया। बस ये है कि बहुत ज़्यादा ना मतलब यहाँ का पानी थोड़ा खारा होता है, हार्ड होता है, तो इस वजह से ना जो पीलापन आ गया है वो नहीं छूटता है कितना भी रगड़ लो। तो इस वजह से बस ये है कि हफ्ते में एक बार अच्छे से धो दो तो थोड़ा साफ़ तो रहता है लेकिन जो पानी का पीलापन का जो दाग रहता है वो नहीं जाता है। तो फिर भी इतना भी अगर कर दो ना तब भी साफ़ सुथरा ही लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, और बस यहाँ पे जो सिंक एरिया है इसको तो क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कल रात में कुछ भी नहीं धो पाई थी। मतलब सिंक मैं डेली रात में ही धोती हूँ, लेकिन लाइट जाने की वजह से पानी ना रहने की वजह से कुछ बर्तन जो है ना आरओ के पानी से भी धोना पड़ गया था, और आरओ में भी पानी ख़त्म ही हो गया था लगभग, इस वजह से सिंक नहीं धो पाई थी मैं। तो इस वजह से भी इस टाइम सारा क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया था, नहीं तो सिंक तो मैं रात में ही धोती हूँ, इस टाइम अगर करती भी हूँ तो किचन को क्लीन कर देती हूँ सिंक वगैरह नहीं, लेकिन इस टाइम सब कुछ अच्छे से क्लीन करना पड़ा था। और सिंक एरिया इसलिए भी डेली क्लीन करना बनता है ना क्योंकि सारे जूठे बर्तन सब यहीं पर रखते हैं धोते हैं तो वो जूठा या फिर ऑयल के दाग ये सारे कुछ लगते ही रहते हैं यहाँ पे, तो डेली की डेली अगर साफ़ करते रहो तो ही ठीक रहता है, साफ़ रहता है। और वैसे भी हमारा सिंक तो ऐसा है ना कि मतलब ये पत्थर का है तो कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन जो पहले भी लोग रहे होंगे तो पता नहीं क्या केमिकल इस पे लगा है, कहीं सफ़ेद धब्बे हैं कहीं कुछ है। हालांकि डेली मैं क्लीनिंग करती हूँ इन सब जगहों की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक होता है ना मन माफिक एकदम होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है कितना भी कर लो। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया है, जहाँ मैं सोप वगैरह रखती हूँ उसको भी मैंने, हालांकि एक टूट गया है लेकिन फिर भी किसी तरह उसको निकाल करके धोती हूँ। बस यही है कि जब तक चल रहा है, जब टूट जाएगा दूसरे वाला भी तब मुझे दूसरा लेना ही पड़ेगा, अभी चल रहा है जब तक तब तक मैं इसको चला रही हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे सारा कुछ हो गया था, तो मैंने यहाँ पे सर्फ डाला लिक्विड वाला और सिंक को भी अच्छे से क्लीन किया, और साथ में ये जो कपड़ा होता है पोंछने वाला किचन को, इसको भी इसमें भी मैंने लिक्विड सर्फ डाल करके थोड़ा सा रगड़ करके रख दिया है, थोड़ी देर में धो दूँगी अच्छे से इसको भी। तो बस यही छोटी छोटी आदतें हैं, अगर कुछ चीज़ें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते रहो ना तो घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सजाने से ही घर अच्छा लगे, साफ़ सुथरा रख के भी घर को हम अच्छा लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। हालांकि मन तो करता है कभी कभी कि हाँ थोड़ा बहुत घर को डेकोरेट करें, लेकिन देखते हैं कब ये सारे शौक पूरे होंगे। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी हैं हॉल के लिए और बेडरूम के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, तो बस जब आएंगी उसको डेकोरेट करूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। बस यहाँ पे देखिए किचन अच्छे से, ये जो पानी वाला काम था जितना वो सारा कुछ हो चुका था, और इसके बाद से थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी यहाँ पे, लेकिन ये तसल्ली थी कि जो मेरा किचन का काम था क्लीनिंग का वो सारा कुछ हो गया था, क्योंकि शाम को ना यही चल रहा है लाइट बार बार आ रही है जा रही है तो अंधेरे में ये सब काम करते बनता भी नहीं है, तो इस टाइम फ्री भी रहता है टाइम तो हो भी जाता है सब कुछ आराम से। तो बस यहाँ पे देखिए किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ जहाँ पे मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ इस स्टैंड पे, इसको भी मैंने हल्का सा ही बस धोया था पानी से क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, और इसको धोने के बाद इसका पेपर चेंज किया, सारे सामान को अरेंज करके अच्छे से इसको रख दिया है, और बस ये जो नीचे का कैबिनेट है इन सब के ड्रॉर्स भी बस अच्छे से एक बार कपड़े से पानी भिगो के पोंछ दे रही हूँ।
अंदर के पेपर्स भी बदलने हैं, लेकिन वो किसी और दिन करूँगी, क्योंकि ना लेट मैंने काम स्टार्ट किया था, तो फिर स्कूल का टाइमिंग भी होने वाला था थोड़ी देर में, और ये भी था मुझे ना कि आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी ना सोने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए किचन बिल्कुल अच्छे से हो चुका है क्लीन, हर जगह मैंने अच्छे से पोंछ दिया है कपड़ा भिगो करके, और ये जो है इसको अगर धो दो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। लेकिन इस विंडो के जस्ट नीचे मतलब बगल में रोड है, मेन रोड, तो दिक्कत ये हो जाती है ना कि अगर पानी से धोऊंगी तो सीधे आने जाने वालों के ऊपर पानी पड़ेगा, तो इस वजह से बस ऐसे ही इसको भी कपड़ा भिगो करके मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और बस अब लास्ट में रह गया है आरो, बस इस पर भी मैंने क्या किया, ये कॉलिन है, कॉलिन से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है वैसे इन सब चीज़ों की, टीवी हो गया, टेबल हो गया, कांच के सामान हो गए, तो ये सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं तो आरओ भी इसी से क्लीन कर देती हूँ, कहीं पे कोई दाग धब्बे भी नहीं रहते हैं। और बस देखिए करीब करीब 2:30 बजने वाले थे, और अब जा कर के किचन का काम जो है मेरा पूरा फिनिश हुआ था, और काम करते करते गर्मी तो हो ही गई थी, भले ही मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन होता क्या है ना, काम करते रहो तो गर्मी होने ही लग जाती है, तो बाल भीग गए थे जैसे, तो मैंने खोल दिया, बस हेयर बैंड लगा लिया था कि थोड़ी देर सूख जाए ऐसे ही, क्योंकि पोनी मैंने बांधी थी तो इस वजह से वो और ज़्यादा गीला गीला सा लग रहा था। तो बस यहाँ पे ये जो कल के धुले हुए कपड़े हैं बस इसको अब तह करूँगी, और 2:30 बज गए थे करीब करीब ये सारा काम निपटाते निपटाते, तो बस 2:30 से 3 बजे तक जो है आराम से रेस्ट करूँगी, कुछ भी नहीं, ना फ़ोन चलाना रहेगा उस टाइम और ना ही टीवी। बहुत जो होता है ना मतलब रेस्ट करते समय मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो या फिर स्टोरी सुनना पसंद है, तो बस ऐसे ही कान में ईयरफोन लगाती हूँ, अपना स्टोरी सुनती हूँ या फिर म्यूज़िक सुनती हूँ और बस रेस्ट करती हूँ। तो बस चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसी के साथ अभी इस व्लॉग के एंड में आ गए हैं, इधर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।